जो पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है पर्यावरण प्रदूषण। सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ने के बाद तो जिससे जुड़ा हुआ प्रश्न बैंक होगा उस प्रश्न बैंक को हल करेंगे। और ये सीरीज आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप पर्यावरण पढ़ने जा रहे हैं और आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो पर्यावरण में एक टॉपिक आता है प्रदूषण। वो बहुत ही एवरग्रीन टॉपिक है जहाँ से आपकी परीक्षा में प्रायः प्रश्न आते हैं। तो हम ये प्रयास करेंगे इस सीरीज को अंत तक देखिएगा। आज की सीरीज जो है थोड़ी बड़ी होगी, क्या होगी, जो सीरीज होगी ये काफ़ी बड़ी हो सकती है। और जब सीरीज बड़ी होगी तो आपको अंत तक बने रहना होगा। अगर आपका उद्देश्य सिलेक्शन है तो यकीनन इस वीडियो को से आपको फ़ायदा मिलना ही मिलना है। यहाँ पर है पर्यावरण प्रदूषण, पारिस्थितिकी संतुलन पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभाव को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। आइए प्रदूषण के प्रकार जान लेते हैं। चलिए शॉर्ट में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक, यहाँ पर हमने देखा कि पर्यावरण प्रदूषण में क्या है। पहला वायु प्रदूषण, दूसरा ध्वनि प्रदूषण, तीसरा जल प्रदूषण, फिर रेडियोधर्मी प्रदूषण, फिर मृदा प्रदूषण। माने जो हम लोग को प्रदूषण पढ़ना है, जो कि परीक्षा में जहाँ से सवाल आते हैं, तो वो टॉपिक है आपके ये पांच। मतलब यहाँ पांचों से सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हर हाल में परीक्षा में प्रश्न आते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं कि करके इन तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे, शॉर्ट में पढ़ेंगे और प्रश्न के माध्यम से इसकी विस्तृत व्याख्या भी करेंगे क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। अगला यहाँ पर है वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। तो अवांछनीय एवं विषाक्त पदार्थों का वायुमंडल में भौतिक एवं रासायनिक गुणों में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित अगर महत्वपूर्ण गैसों की मात्रा देखें जो परीक्षा में पूछा जाता है, तो यहाँ पे दोनों प्रकार से मैं आपकी इसकी व्याख्या करके बताना चाहूँगा। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी साथी जो लोग भी देख रहे हैं। वायुमंडल में महत्वपूर्ण गैस क्या है? नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है। पूरे वायुमंडल में देखा जाए तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है। इसको अलग अलग परीक्षाओं में प्रश्न में अलग अलग तरीके से भी पूछा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर तरीकों में किसी प्रकार कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और 78%, लेकिन एग्जैक्ट क्या है? 78.08%। ऑक्सीजन लगभग 21%, 20.95%। तो ये ऑक्सीजन हो गया। आर्गन की बात करें तो अगर आर्गन की बात करें तो यहाँ पर जो आर्गन है वो 0.93% है। फिर उसके बाद अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% है। मतलब ये ऐसे आपके महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जहाँ से आपके परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। और मैं चाहूँगा इसे अपने पास नोट डाउन कर ले, हो सके तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लें। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है किन दो गैसों को मिलाकर वायुमंडल में अकेले 99% गैस है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को यदि मिला दिया जाए, इन दोनों को मिलाने से ही हमारे जो वायुमंडल है इसका 99% गैस बन जाता है। ठीक है, ठीक है, आप लोग का जवाब भी देते रहिए, आप लोग का ज्यादा कमेंट ही नहीं आ रहा। आइए परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ लेते हैं आशीष सर के नोट्स से, जो ऑलरेडी सहायक अध्यापक है जो इलेनी में दुर्गेश में पढ़ा रहे थे, और सहायक अध्यापक आशीष यादव सर, और इलेनी में दुर्गेश के माध्यम से हम आप लोग को इन सभी तथ्यों को परिचय कराएंगे। बाद में MCQ भी हल करेंगे आज की ही सीरीज में। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो मानव जनित प्रदूषण किसे कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानव जनित जो प्रदूषण है किसे कहते हैं। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा जितने वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए, मानव जनित प्रदूषण एंथ्रोपोजेनिक है, ये परजीवी है, एकदम एक नंबर इंपॉर्टेंट हो गया आपका। दूसरा, वायु प्रदूषण के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैस कौन सी है। अगर पूछा जाए कि वायु प्रदूषण के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैस कौन सी है, यहाँ पे आपके सामने चार विकल्प है और उन विकल्पों में है एक आपको चयन करना होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO गैस, इसे दमघोटू गैस भी कहते हैं। आइए आगे इसके बारे में भी हम और अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझने का पूर्ण प्रयास करेंगे। चलिए अगला है आपके सामने, शायद आप लोग को भी दिख रहा होगा। आगे देखेंगे कि तंत्रिका तंत्र तथा मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली गैस कौन सी? CO। देखिए, CO गैस की सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये तो सबसे पहले आपने देखा कि तंत्रिका तंत्र को परेशान करती है, उसके साथ साथ ये हीमोग्लोबिन को नष्ट करती है। किसको? हीमोग्लोबिन को। ये खत्म करने का भी काम करती है कि ताकि हीमोग्लोबिन क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो इसका एक काम ये भी हो गया कि हीमोग्लोबिन पे सीधा अटैक करना। और ये ऑक्सीजन से 250 गुना ज़्यादा क्रियाशील है। अगर ऑक्सीजन की बात किया जाए उससे ये 250 गुना ज़्यादा क्रियाशील है। अब ये निकलती कहाँ कहाँ से है, ये भी आपके परीक्षा में सवाल आता है कि मोटर वाहनों से निकलने वाली सर्वाधिक विषैली गैस कौन सी है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, जिसे हम CO गैस के नाम से भी जानते हैं। किस गैस के नाम से? CO गैस के नाम से जानते हैं। CO माने CO साहब नहीं, ठीक है। आगे है, कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या क्या होते हैं, एक प्रश्न ये भी आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है और आपके मन में भी आएगा, अच्छा सर कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या क्या होते हैं। तो उसमें सीसा होता है, लेड होता है, PB होता है, PB माने पारा के कण होते हैं। मानव जनित प्रदूषण क्या कहता है?
हिमेलिन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे चाहता आप इसके स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लें, चाहे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं इस तथ्य को अपने पास जरूर रखिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। वैसे अगर आपके पास नोट्स इधर नहीं भी दुर्गेश होंगे तो कोई बात नहीं, अगर नोट्स नहीं है तो इसके स्क्रीनशॉट अपने पास जरूर रखिएगा। अब हम और आगे चलते हैं। देखिए ये ऑनलाइन क्लास नोट्स के इस नंबर पर व्हाट्सएप पर जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि मोटर वाहनों में जांच प्रदूषण केंद्र पर पता लगाया जाता है किसका, शीशा का और कार्बन का। आपने देखा होगा कि जब इस ऐसी जगहों पर जाते होंगे तो वहाँ पर किसका इसका पता लगाया जाता है, तो यही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किनका इनका पता लगाया जाता है। तो जो पता लगाने की चीज़ें हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया और उम्मीद करता हूँ ये आपको चीज़ें समझ में भी आ गई हैं। ठीक है, अखबार में मौजूद सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ क्या होता है अखबार में, ये परीक्षा में पूछा जाता है। और जब पूछा जाता है तो प्रायः लोगों से गलती भी हो जाती है, अच्छा अखबार में भी कोई चीज़ मिलाया जाता है क्या, अब बताइए क्या मिलाया जाता है। आपके मन में अपने आप एक प्रश्न आ जाता है, तो वह है आपका शीशा, एक नंबर ये भी तैयार हो गया आपका। फिर अम्ल वर्षा के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन है, CO2 और NO2। CO2 का फुल फॉर्म क्या होगा या CO2 किस गैस को कहा जाता है, इसका भी जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट में जाकर देना है। CO गैस क्या है, वैसे मैंने पढ़ाया है और आप लोगों को आगे भी आज की सीरीज में भी MCQ में भी जरूर मिल जाएगा, लेकिन मैं चाहूँगा उसका उत्तर जरूर बताएं। वायु प्रदूषण का सूचक क्या है, तो लाइकेन है। जो वायु प्रदूषण है इसका सूचक क्या है, लाइकेन है। ठीक है, अब ताजमहल को सर्वाधिक खतरा, ताजमहल का रंग जो पीला पड़ रहा है किसके कारण हो रहा है, तो आप कहेंगे हाँ सर तो ये कारण तो एकदम आपने एकदम एग्जैक्ट और सही बताया है। ताजमहल का जो पीलापन है या पीला होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही कारण है कि मथुरा में जो रिफाइनरी है उससे निकलने वाला जो गैस है उसकी वजह से क्या है, ताजमहल लगातार पीला पड़ रहा है। क्लियर, अभी भी किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो जल्दी से पूछ सकता है, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपके हर सवाल का जवाब देना ही नहीं सिलेक्शन के और नज़दीक पहुँचाना है। जहाँ से SO2 गैस निकलती है, SO2 गैस को क्या कहते हैं, जिसको साफ नहीं दिख रहा है वो तीन दार विंडो पर क्लिक कर वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ले, वीडियो पूरी तरह से आपको HD में दिखाई देगा। अगला है कि BS4 क्या है, तो वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक तकनीक है। BS5 क्या है, BS5 क्या है, तो जितने भी साथ इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में तुरंत जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे कि जो BS5 क्या है। सभी लोग जरा बताइए कमेंट करके कि BS5 क्या है, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए कि BS5 क्या है। ध्रुम सिटी किसे कहते हैं, स्मॉग सिटी, ये शिकागो अमेरिका में है, विश्व बैंक का एक चिन्ह भी माना जाता है। आगे चल रहे हैं इसके, क्योंकि धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। स्मॉग सिटी ऑफ इंडिया, माने स्मॉग सिटी ऑफ इंडिया अगर पूछ दिया जाए तो क्या होगा, कोलकाता भारत में है, ये भी इंपॉर्टेंट, माने एक एक प्रश्न को हम जोड़ते हुए चल रहे हैं ताकि आप सिलेक्शन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आने पाए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। वायु प्रदूषण अधिनियम कब लागू हुआ, 1981 में। जो वायु प्रदूषण अधिनियम है यह कब लागू होता है, यह लागू होता है आपके 1981 में। मुख्य प्रदूषक पैन का पूरा नाम क्या है, परॉक्सिस एसिटीन नाइट्रेट, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है। पैन कार्ड वाला पैन नहीं बताइएगा, ये पर्यावरण वाला पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, जो पर्यावरण वाला पैन है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है जितने इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, बस ऐसे ही पढ़ते रहिए। यही को अब अगला पढ़ते हैं, फ्लाई ऐश, ये फ्लाई ऐश क्या होता है, सभी लोग फटाफट कमेंट करें जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। फ्लाई ऐश क्या है, यह एक वायु प्रदूषक क्या है, यह एक वायु प्रदूषक है जो ठोस पदार्थों पत्थर के कोयलों के जलने से प्राप्त होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा और हो सके तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। एकदम ऐसी नोट्स है पूरे आपको उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतरीन नोट्स में से एक है ये, जो सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा आपको मजबूती प्रदान करेगी। जंगल की आग तथा ज्वालामुखी विस्फोट को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक प्रदूषण, जैसे जंगल में जो आग लग जाती है या ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाता है उसे किस प्रदूषण के नाम से जानते हैं, उसे याद रहे उसे हम प्राकृतिक प्रदूषण के नाम से जानते हैं। तो जितने भी साथ इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक बार इस बात को भली भांति परिचित हो जाएं और भली भांति इस तथ्य को जानकर हैं। हम और आगे बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, जो परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है, एक CNG का फुल फॉर्म क्या बोला जाता है, CNG का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ये भी काफ़ी रटने वाला टॉपिक है, सवाल भी है जहाँ से आपको शायद ज्ञात जरूर होना चाहिए। ठीक है, CNG का फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, आपसे मेरा सवाल है कि LPG का फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, LPG का फुल फॉर्म क्या है, सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाइएगा और जवाब दीजिएगा, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहे हैं, जो इसे अभी अकॉर्डिंग सिलेबस में दिया गया है ऐसे क्रम बाई क्रम हम चलते चल रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा कि इसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, दाबित प्राकृतिक गैस के नाम पर भी जानते हैं। ठीक,
क्लियर। किसी के मन में कोई प्रश्न कोई सवाल हो तो जरूर पूछ सकता है। सीएनजी के मुख्य अवयव कौन से हैं, सीएनजी के मुख्य अवयव कौन से हैं? तो सीएनजी में क्या क्या होता है, मीथेन और प्रोपेन होता है, मीथेन और प्रोपेन होता है। जी हाँ, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगर पूछा जाए कि एलपीजी में उसमें महक आने के लिए, उसमें गंध आने के लिए, ध्यान रहे, कौन सी और गैस मिलाई जाती है, तो उसका भी जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाना है और कमेंट करके देना है सभी साथियों को। वायु प्रदूषण के लिए बड़े स्तर पर कौन कौन जिम्मेदार है? अगर ये पूछा जाए, प्रायः परीक्षा में आज सवाल आता है कि अगर भैया कि जो वायु प्रदूषण है इसके लिए प्रमुख रूप से कौन कौन ज़्यादा जिम्मेदार है, तो वनोन्मूलन, माने जब वन की कटाई होगी, जब वन की कटाई होगी तो केवल वन के कटने से ही यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट नहीं आ जाएंगे, माने वनों की कटाई से शहरीकरण, वनों की कटाई, शहरीकरण, जब शहरीकरण होगा कैसे, वन शहर को काट के छोटा करेंगे, वन बनाएंगे, उद्योग लगाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, उससे वायु प्रदूषण बढ़ेगा। तो ये बहुत ही यूनिक चीज़ें हैं, ये यूनिक टॉपिक है। हम चलते हैं और अगले टॉपिक की तरफ। आप लोग से एक छोटी सी बात है कि आप लोग जितने इस वीडियो को देखें, लाइक करें या ना करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, हर उन व्यक्ति तक पहुंचाइएगा जिसको इसकी ज़रूरत हो। ठीक है, चलते हैं एक और अगले टॉपिक की तरफ। हम लोग खा गए हैं एलपीजी। अब एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सीएनजी का फुल फॉर्म, एलपीजी का फुल फॉर्म, ये रट लीजिएगा। अगर आप पर्यावरण पढ़ रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण पढ़ रहे हैं, सीएफएल का फुल फॉर्म क्या होगा, सीएफएल। ये ऐसे टॉपिक हैं, ये ऐसे फुल फॉर्म हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, और मेरा उद्देश्य है केवल आपका सिलेक्शन, केवल आप सभी का सिलेक्शन। हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे जो आपके पाठ्यक्रम में है, जो आपके सिलेबस में है, जहां से आप सिलेक्शन के करीब और नज़दीक पहुंच सकते हैं। देखिए, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसे द्रवित पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। जी हाँ, मिथाइल मरकैप्टन इसमें अलग से मिलाया जाता है, इसके अलावा और कौन कौन सी गैस मिलाई जाती है, ताकि कहीं गैस का रिसाव होता है, हमें पता चल जाता है उसके गंध के लिए उसमें क्या मिलाई जाती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एलपीजी गैस भी पेट्रोल तथा डीजल की तुलना में कम प्रदूषण उत्पन्न करता है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम रट लीजिएगा कि एलपीजी गैस भी पेट्रोल तथा डीजल की तुलना में कम प्रदूषण उत्पन्न करती है। ये सभी निःशुल्क क्लास आज गेस्ट के रूप में इलाने पर दुर्गेश पर मैं दे रहा हूँ, अपने बचे हुए समय से ये क्लास सभी के लिए है, और पूरे पाठ्यक्रम को हम आपको देंगे आपके सामने। अब इसके मुख्य अवयव कौन से हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन के अलावा इसमें और क्या मिलता है, सभी साथी जवाब जरूर देंगे। ठीक है, सबसे क्या मतलब, कोई लिंक पर क्लिक मत करिएगा। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, मैं ऐसी सीरीज करा रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपके सवाल पढ़ लेता हूं लेकिन जवाब मैं क्लास में ही दे लेता हूं ऐसे ही। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, हाइड्रोजन कहते हैं। किसको कहते हैं, हाइड्रोजन का कहते हैं। माने अगर आप नौकरी के लिए पर्यावरण पढ़ रहे तो नोट्स जरूर रख लीजिएगा, इलेनी दुर्गेश का किताब में ऐसी टॉपिक आपको नहीं मिलेगी। हाइड्रोजन को कहा जाता है। हरा ईंधन किसे कहते हैं, ग्रीन फ्यूल किसे कहा जाता है, एल्कोहल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, एल्कोहल को कहा जाता है। सर्वाधिक अम्ल वर्षा वाला देश नॉर्वे है, और अम्ल वर्षा केंद्र कहाँ है, इसकी राजधानी कहाँ है बताइए, वैसे ओस्लो में है, कहाँ पर है, ओस्लो में है। अम्ल वर्षा का प्रभाव ठोस पत्थरों पर होता है, इसलिए इसे स्टोन लेप्रोसी के नाम से जानते हैं, स्टोन लेप्रोसी के नाम से भी जानते हैं, यह तोड़ देता है। ठीक, किसी के मन में कोई प्रश्न कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा। ठीक है, हम चलते हैं एक और अगले टॉपिक की तरफ, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। देखिए, किसी भी क्लास के नोट्स के लिए आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, कि एलएनबी दुर्गेश के ऑफिस का काम है, वहीं से आप जानकारी लेंगे, लेकिन हाँ जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको यहाँ से 10 प्रश्न का भी फायदा होता है तो बहुत बड़ी बात है। सफलता सफलता के बीच एक प्रश्न का भी खाई रह जाती है, सिलेक्शन पॉइंट में होते हैं। SO2 NO2 मिलाकर, यहाँ पर देखिए, इसे अम्लवर्षी गैस कहते हैं SO2 को, और NO2 को झील या कातिल गैस के नाम से जानते हैं, झील कातिल गैस। ठीक, क्या कहते हैं, झील कातिल गैस। ये जौनपुर जनपद के सिराजन से आपके लिए क्लास लाइव चल रही है। N2O क्या है, इसे हम नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। कौन सा ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। और यहाँ पर इसे हंसाने वाली गैस, इसे लॉफिंग गैस कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम देख रहे हैं, ये पूरा निचोड़ है, आप देख रहे होंगे पूरे पर्यावरण में, ये परीक्षा वाले सवाल है, आप नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, सिलेक्शन वाले टॉपिक हैं। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इसे दमघोटू गैस कहते हैं। क्यों, जैसे हम सांस ले रहे हैं तो जब CO मेरे शरीर के अंदर जाता है ऑक्सीजन के साथ, तो ये हीमोग्लोबिन में चिपकने के बाद शरीर में बॉडी में परिवहन करता है, लेकिन CO क्या करता है,
CO2 के साथ, ओ सॉरी O2 के साथ मिलकर, मैंने ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे जो हीमोग्लोबिन को नष्ट कर देता है, तो शरीर के अंदर ऑक्सीजन की परिवहन क्षमता कम हो जाती है। और इसकी वजह से इसे किस गैस के नाम से जानते हैं, इसे इसलिए हम दम घोटू गैस के नाम से भी जानते हैं। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसे फ्रेयान गैस के नाम से जानते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट है, ये उपनाम है सबके। ये क्या है, इसके उपनाम है। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो भी लोग देख रहे हैं, पैसा नहीं कटेगा, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर, अपने फेसबुक पर जहाँ देख रहे हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे लोगों तक पहुँचाइए, कर भला तो हो भला। SO2 बार बार सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं, इसे क्रैकिंग गैस कहते हैं। मैंने बताया इसे क्रैकिंग गैस कहते हैं। स्टोन लेप्रोसी के नाम से भी जानते हैं। अभी आगे बताएंगे क्यों ऐसा कारण होता है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड ये अम्ल वर्षा के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। इसके बाद हम H2SO4 भी पढ़ेंगे कि H2SO4 क्या है। ठीक है, सभी लोग जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, अभी टारगेट से 20 कम है, एक दिन में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। यहाँ पे ध्यान देना है कि जल प्रदूषण क्या है। देखिए एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, फिर हम उसकी सिलेक्शन वाले प्रश्न को हल करेंगे। जल प्रदूषण क्या है, जल के भौतिक तथा रासायनिक गुण में हो रहे नकारात्मक, गुणवत्ता में हो रहे नकारात्मक जो परिवर्तन को जल प्रदूषण कहते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं कि जल प्रदूषण में क्या क्या चीज़ें हम लोग को झुकनी है। जल में जैविक तथा अजैविक घटकों की वृद्धि को हम सुपोषण कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ चुका है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, जितने लोगों ने वीडियो को शेयर किया है उनको थैंक यू। भगवान करे आप लोग का चैन कभी भी ना रुकने पाए। जिस तरह आप इस ख्याति को लोगों तक पहुँचा रहे हैं, जिस तरह लोगों की मदद कर रहे हैं, भगवान आपकी परीक्षा में जरूर मदद करेगा। यहाँ पे है भूमिगत जल प्रदूषण का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या है। तो जो भूमिगत में सर्वाधिक जो जल प्रदूषण होता है वो आर्सेनिक की अधिकता किसकी है, आर्सेनिक की अधिकता, किसकी अधिकता। ठीक है, क्या हो रही है, अच्छा एक जगह वर्षा हो रही है, किसी ने कमेंट किया है और उनके यहाँ क्लास प्रभावित हो रही है। कोई बात नहीं, रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। यहाँ पे भूमिगत जल प्रदूषण आर्सेनिक की अधिकता कारण होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। सर्वाधिक आर्सेनिक प्रदूषण वाला राज्य भारत का कौन सा है, तो ये पश्चिम बंगाल है। एकदम एवरग्रीन प्रश्न है, जब हम परीक्षा में हल करेंगे ना तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च। देखिए 21 मार्च क्या है, 22 मार्च, 23 मार्च, 23 मार्च को मौसम दिवस है, लेकिन 21 मार्च को वानिकी दिवस, 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। थोड़ा स्लो पढ़ाएं, कुछ लोग भी आएंगे ऐसा तेज पढ़ाइए। चलिए रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं। सर्वाधिक शुद्ध जल क्या होता है, वर्षा का जल। ये आसूत जल क्या होता है पता आप लोग को, माने ये पूरी तरह से शुद्ध होता है। जैसे आप बैटरी में पानी डालते हैं तो पूरी शुद्ध, इसमें मिनरल खनिज को निकाल लेते हैं, तब इसे हम आसूत जल कहते हैं। देखिए जल कितने प्रकार के होते हैं, देखिए जल एक होता है D2O होता है, एक होता है H2O होता है, एक होता है CO2 होता है। तो तीन प्रकार के जल होते हैं और चौथा जल होता है आसूत जल। तो जल हमारे चार प्रकार के होते हैं जो परीक्षा में पूछा जाता है। जल कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। पहला D2O भारी जल, H2O, H2O क्या होते हैं, पानी हो गया, CO2 शुष्क बर्फ, शुष्क जल ठोस जल, और एक होता है आसूत जल, माने जो जल होता है उसका खनिज लवण अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारा क्या बनता है, वो आसूत जल होता है। क्या होता है, वो आसूत जल कहलाता है। समझ में आया, ये चार प्रकार के जल होते हैं और ये परीक्षा में पूछा जाता है। एक टॉपिक भी आपके सिलेबस में लिखा होता है जल, और हम चाहेंगे कि हर उस टॉपिक को पढ़ेंगे, हर उस टॉपिक को प्रश्न कराएंगे ताकि आपका सिलेक्शन ना रुकने पाए। अच्छा शहीद दिवस भी है, ठीक है, मैं पर्यावरण दिवस बता रहा था, इसलिए हो सकता है मैंने वो ना बताया हो। ठीक, अच्छा हम थोड़ा स्लो बोले, चलिए मैं थोड़ा स्लो बोलूँगा। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा केंद्र मैनचेस्टर है, ओस्लो नार्वे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा केंद्र कहाँ है, ओस्लो में है। ओस्लो कहाँ पर है, नार्वे में है। तो ये आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हाँ मैं तेज पढ़ा रहा हूँ तो बताइए, स्लो पढ़ाना शुरू करें, सॉरी उसके लिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है, मृत सागर। कहाँ पे है, जॉर्डन में है। लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा मैं पूछूंगा, इसके अलावा अगर कोई विकल्प दिया हो तब क्या करेंगे, अगर बैकाल झील दिया होता तब क्या करते आप। आगे देखते हैं, जल प्रदूषण मापने की इकाई क्या है, BOD, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जल प्रदूषण मापने की इकाई क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, BOD। इसको फुल फॉर्म क्या होता है,
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या हो गया, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडब्ल्यू कैसे मापा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, माने एक एक प्रश्न को जोड़ रहे हैं, मतलब प्रत्येक आपके सफलता की जो मीनार है उसकी एक एक प्रश्न के पत्थर से जोड़कर हम आपकी सफलता की मीनार बनाएंगे। जल में घुली O2 की मात्रा को हम क्या कहते हैं, BOD के माध्यम से मापा जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर, एनी डाउट किसी को? चलिए, DO क्या होता है, डिसॉल्व ऑक्सीजन, माने जल में घुली ऑक्सीजन जिसमें जीव जंतु जीवित रहते हैं उसे हम DO कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा, एकदम रट लीजिएगा, पहले थियरी पढ़ेंगे फिर इसकी MCQ हल करेंगे, लेकिन एक भी प्रश्न आपके पास से नहीं जाएगा। इस DO कितने लोगों ने इसको पहली बार सुना है, लेकिन परीक्षा में आ जाएगा, सब कहते हैं सर ये कहां से आया है, ये इलनी दुर्गेश के नोट से आया है। आगे चलते हैं, गंगा नदी में सर्वाधिक BOD की मात्रा कहां मिलती है, कानपुर इलाहाबाद के बीच। गंगा नदी में BOD की मात्रा सबसे ज्यादा कहां मिलती है, कानपुर से इलाहाबाद के बीच। क्लियर हो गया, किसी के मन में कोई प्रश्न कोई सवाल, ये लाइव क्लास चल रही है, मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूं, फेसबुक पे यूट्यूब पर इलनी दुर्गेश ऐप पे, गेस्ट के रूप में निःशुल्क, देशहित में राष्ट्रहित में। डिसॉल्व ऑक्सीजन, जल में घुली ऑक्सीजन जिसमें जीव जंतु जीवित रहते हैं। आगे, कृत्रिम वर्षा कराई जाती है, ये मैंने पढ़ाया है पिछले लेक्चर में भी, आगे भी मिलेगा, अच्छा पढ़े हैं ना, अच्छी बात है। सिल्वर आयोडाइड के द्वारा कृत्रिम वर्षा कराई जाती है, सिल्वर आयोडाइड के द्वारा। राष्ट्रीय गंगा एक्शन प्लान, गंगा कार्य योजना कब आई थी, 1985 में इसका प्रारंभ हुआ था। दूसरा, अच्छा AGL, सिल्वर आयोडाइड, AGL मैंने पढ़ाया है। रासायनिक प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, चमड़ा उद्योग। अपने हमारे यहाँ अगर देखा जाए भारत में कि रासायनिक क्या है, मतलब रासायनिक प्रदूषण का जो प्रमुख कारण है वो चमड़ा उद्योग है। कौन सा उद्योग है, चमड़ा उद्योग। प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा, हिमाचल प्रदेश, रट लीजिएगा। माने प्लास्टिक जो होती है, क्योंकि कभी नष्ट नहीं होती, ये पर्यावरण को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करने वाला अगर कोई है तो ये पॉलीथीन है, ये प्लास्टिक है, ठीक। अब कानपुर को कहा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर, मैं यहां से चार सवाल पूछूंगा, आपको जवाब देना है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर किसे कहते हैं। यहां पे मैं आपको तीन सवाल पूछा, पहला कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तीन प्रश्न यहां से परीक्षा में आते हैं, मैं चाहता हूं कि अगर इलनी दुर्गेश की क्लास पढ़े तो कभी भी आपका गलत ना हो पर्यावरण से सवाल, क्योंकि अब की बार एक सीट हमा। अब बताइए कॉमेंट करके, वैसे आगे आपको नोट्स मिल जाएगा, अगर आपने नोट्स लिया होगा तो मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, आगे नोट्स में है कि हम कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। आगे ध्यान से देखना, आपको प्रमुख रोग उनके कारण, मिनी माता रोग होता है ये पेट से संबंधित, कब, जब पारा की अधिकता हो जाए। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट सीरीज है, माने अगर आपने इसको पढ़ा होगा शायद, ये देख लेते हैं, ये मेरे नोट्स थे, मतलब वहां से मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं, और ये इलनी दुर्गेश पर उपलब्ध है, फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है। मिनी माता रोग किससे, पारा की अधिकता, ब्लैक फूड, इसे संखिया भी कहते हैं, ये आर्सेनिक की वजह से होती है। कितना इंपॉर्टेंट है, या एक प्रश्न आपकी परीक्षा में फिक्स पूछा जाता है मेरे प्यारे साथियों। इस देश के निर्माताओं, इटाई ये कैडमियम, मैंने इटाई रोग कैडमियम से, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट से, कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग कमेंट समेत करें जरूर बताइएगा। देखिए, अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का कानपुर, इसका उत्तर हो गया, मैंने जवाब दे दिया, जवाब मिल गया आपको ना। अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर, उत्तर भारत का कानपुर। अब देखिए, दांत का पीलापन फ्लोराइड की वजह से, एक प्रश्न यहां से आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाता है, अगर इस बात से सहमत हो तब वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, अपनी स्टेटस पर आज लगाइएगा और बताइएगा ऐसी भी क्लास इलनी दुर्गेश पर मिलती है। विलिंस रोग, ये तांबा की वजह से, लहुएमता ये आयरन की वजह से होती है,
ल्यूकीमा, ये रेडियोधर्मी युक्त जल से होती है। मानिए पानी में जो जल होता है इसकी वजह से जो रोग होते हैं वह एक जगह आपको मिल गए, इसे कहते हैं नोट्स। किताबों में आपने देखा होगा बहुत जगह मिलेंगे, आज यहाँ मिला उस किताब में मिलेगा, लेकिन नोट्स का मतलब होता है कम समय में ज़्यादा चीज़ों को सिलेक्शन देना, ज़्यादा सेलेक्टेड टॉपिक देना जहाँ से परीक्षा में स्कोर कर सके। तो ये वो चीज़ें आपके सामने हैं, माने यहाँ से पढ़ने के बाद परीक्षा में आप लोग के लिए कम समय में ज़्यादा तैयारी कर सकें। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। चलिए और आगे, सर्वाधिक धूल नियंत्रक वृक्ष कौन सा है, धूल नियंत्रक वृक्ष कौन सा है, सीता अशोक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यह नोट्स होती है, किताबों में नहीं मिलेगी, किताब में सारी चीजें। सौर ऊर्जा से प्रदूषण होता है लगभग न के बराबर, रट लीजिएगा कि सौर ऊर्जा से प्रदूषण होता ही नहीं, न के बराबर होता है। देखिए पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करिएगा, ई लर्निंग विद दुर्गेश के टेली ऐप इंस्टॉल करिएगा, प्ले स्टोर से वहां मिल जाएगा। ठीक, उसके लिए परेशान हो, पहले पढ़ने पर ध्यान दीजिए, फोकस करिए अपने अटैक टू टारगेट। पढ़ाने में कोई कमी हो तो बताइए, क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा। सर्वाधिक कीटनाशक पौधा कौन सा है, नीम का। सर्वाधिक यहाँ पे देखा जाए कीटनाशक पौधा कौन सा है, नीम का है। एक सवाल मेरा है, जलमंडल का आतंकवादी किसे कहा जाता है, तालाबों का आतंकवादी कौन कहा जाता है, तो बताइए किस पादप को, किस पौधे को, मतलब पादप को हम जल का आतंकवादी कहते हैं, तालाब का आतंकवादी कहते हैं। मानिए परीक्षा में अलग अलग टाइप से सवाल आते हैं, जरा कमेंट सेक्शन में जाइएगा बताइएगा। ये ई लर्निंग पे दुर्गेश के नोट्स में है, जलकुंभी राइट आंसर है, जलकुंभी मेरे प्यारे साथियों, जलकुंभी है, एकदम रट लीजिएगा इसको। अब यहाँ पे नीम, अब हम आते हैं ध्वनि प्रदूषण की बात करते हैं, किसकी ध्वनि प्रदूषण की बात करते हैं। पढ़ो वही जो परीक्षा में आए, अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहे हैं, जैसा आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। देखिए सामान्यतः डेसिबल 80 से 90 डेसिबल तीव्रता वाली ध्वनि को हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, मैंने अगर सामान्य से अगर 80 से 90 डेसिबल तीव्रता वाली जो ध्वनि होती है उसे हम क्या कहते हैं, मैंने 80 से 90 जो डेसिबल होता है उसमें कहा जाता है ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत रखते हैं। ठीक, दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण का कृत्रिम कारण है रॉकेट इंजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रट लीजिए मतलब यहां से रटिए, परीक्षा में जाइए स्कोर करिए। आगे सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण का प्राकृतिक कारण क्या है, ज्वालामुखी विस्फोट 190 डेसिबल। माने दो कारण अगर परीक्षा में पूछ दिया कि ध्वनि प्रदूषण का सबसे बड़ा प्राकृतिक कारण क्या है, जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो 190 डेसिबल की ध्वनि आती है। डेसिबल क्या है, डेसिबल और डाप्सन क्या है, डाप्सन किसकी यूनिट है, डेसिबल किसकी यूनिट है, सभी लोग कमेंट करिएगा। दोनों मैंने पढ़ाया है और जहां भी आता है दोनों तुरंत कलम से बता देता हूं कि दोनों में क्या अंतर है, दोनों मेजर डिफरेंस क्या है। ओजोन परत की मापने की जो इकाई है ओजोन माने O3 की, वो डॉप्सन है, वो क्या है आपकी, वो डॉप्सन है, वो क्या है आपकी, डॉप्सन है। डेसिबल क्या है, ये ध्वनि की है, एकदम रट लीजिएगा। यहां पे दिया है कि ध्वनि मापने की जो यूनिट है उसे डेसिबल कहते हैं, रट लीजिएगा, सिलेक्शन वाले प्रश्न है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं कि आप लोग 10-10 साथियों को प्रतिदिन क्लास में जोड़िए, केवल 10-10 साथियों को। ध्वनि की आवृत्ति मापने की इकाई को क्या कहते हैं, हर्ट्ज कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट, ये दो इंपॉर्टेंट है एकदम। ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं, अनुदैर्ध्य यांत्रिक की भांति काम करती हैं। ध्वनि तरंगे कैसे होती हैं, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगों की भांति ही काम करती हैं। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जितने वीडियो को देख रहे हैं जरा एक बार कमेंट करके बताएं, अगर आपको सबको समझ में आ गया तो वाई कमेंट करें, नहीं समझ में आया तो यन कमेंट करें। देखिए अगर आपकी संख्या कम रहेगी तो मुझे सीरीज को बंद करना पड़ेगा, इसका मतलब मेरे पढ़ाने में कोई कमी है। और अगर आप लोग चाहते हैं क्लास कंटिन्यू रहे तो प्लीज शेयर एवरीवन। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए पढ़ाने में अगर कोई कमी रहेगी तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आपका समय बहुत कीमती है, कम समय ज्यादा टॉपिक पढ़ना। महिलाओं की आवाज पतली होने के कारण क्या है, जैसे मेरी आवाज तो लग रही है जैसे कोई गधा चिल्ला रहा होगा ना, लेकिन आप बताइए महिलाओं की आवाज सुरीली होती है, पतली होती है। आपने सुना सौरभ की आवाज बड़ी सुरीली है, बड़ी पतली आवाज है, नहीं वो महिला नहीं है लेकिन फिर उनकी आवाज पतली है, ऐसा क्या कारण होता है। तो तारत्व की अधिकता मोस्ट इंपॉर्टेंट तारत्व की अधिकता। ठीक है, क्या होती है तारत्व की अधिकता, कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकेंड तक। ये सारी इंपॉर्टेंट लाइन है, माने पढ़िए परीक्षा में जाइए।
1/10 सेकंड तक रहता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तन तल पर श्रोता के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 16.6 मीटर, लगभग 17 मीटर। 16.6 परसों है, परसों है 17.17 मीटर है, मतलब 16.6 मीटर, ठीक है। जेट विमान 110 डेसिबल से उत्पन्न शोर को कहते हैं सोनिक बूम। सोनिक बूम क्या, अगर पूछ लिया जाए आपसे कि सोनिक बूम क्या है, ठीक है, क्लियर हुआ। एकदम इंपॉर्टेंट सीरीज है, मैंने बताया ना लगातार सीरीज चल रही है पर्यावरण की, माने पहले सीरीज पढ़ेंगे, तथ्य पढ़ेंगे, उसके बाद इसके एमसीक्यू हल करेंगे, एक साथ दो काम करेंगे, लंबी क्लास चलेगी। मतलब आज आपने क्लास मिस कर दी ना तो फिर बहुत बड़ी गलती की आपने। जेट विमान को जो 110 डेसिबल से उत्पन्न शोर को हम सोनिक बूम कहते हैं। अगर पूछा जाए परीक्षा में सोनिक बूम क्या है तो बताइए सोनिक बूम क्या है, कमेंट कर बताइए सोनिक बूम, पहली बार सुना है, परीक्षा में ऐसे आते हैं। ग्रीन मफलर क्या है, ग्रीन मफलर का संबंध क्या है, कमेंट करके बताइएगा। ध्वनि प्रदूषण से ग्रीन मफलर का संबंध किससे, ध्वनि प्रदूषण से ग्रीन मफलर का संबंध है। अच्छा, एक आता है कि आवाज पतली होता है, ये तारत्व तो, ये जो गर्दनियां होती है ना, ये यहाँ गला उसी गले में होता है, इसकी अधिकता की वजह से मोटा हो जाता है, जिसकी वजह से आवाज जो है सुरीली निकलती है, पतली निकलती है। बाकी जो अन्य कारण है तो होगा, लेकिन जो ध्वनि प्रदूषण में कारण माना जाता है वह तारत्व की अधिकता मानी जाती है। जी हाँ, कारण क्या, एक लेयर होती है थोड़ी सी पतली मोटी हो जाती है, अधिक हो जाती है, जिसकी वजह से आवाज सुरीली निकलती है, ठीक है। और आपको मेरी आवाज़ से मतलब है न, मेरी आवाज़ पतली है कि मोटी है, गधे की तरह है कि भैंस की तरह, किसकी तरह, उससे नो कोई मतलब नहीं। आपको केवल सिलेक्शन से मतलब है, ईश्वर करे आप लोग सिलेक्शन लें, सेलेक्ट हो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने समाज में कुछ बड़ा और बेहतर करें। आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, बस मेरा एक ही मोटो है आपका सिलेक्शन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा सुरक्षित ध्वनि सीमा 45 डेसिबल। देखिए मेरा नंबर नहीं है, ये ध्यान रहे, ये ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, जहाँ से आप ऑनलाइन क्लास नोट संबंधी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे मेरा नाम लिखा गया है, मेरा नहीं, दुर्गेश सर दो लोग हैं, कई लोग हैं। देखिए WHO के द्वारा सुरक्षित ध्वनि सीमा क्या है, 45 डेसिबल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने अगर पूछा जाए आपसे परीक्षा में कि भैया ये जो WHO है इसके द्वारा जो ध्वनि सीमा सुरक्षित क्या है, तो कहेंगे सर 45 डेसिबल है। कितनी है, 45 डेसिबल है, ठीक ठीक। अब स्रोत तीव्रता, सामान्य बातचीत 20 से 30 डेसिबल, 20 से 30 डेसिबल क्या है, सामान्य। आगे उच्च आवाज में बातचीत, जब चिल्ला के बात करते हैं तब क्या होगा, 60 डेसिबल। झगड़ा होता है, आपने सुना होगा जब मार होता है, लड़ाई होता है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हमने देखा कि तब 60 डेसिबल हो जाता है। आगे रेडियो संगीत 60 डेसिबल, रेडियो पर जो संगीत बजता है। हवाई जहाज 90 से 120। सोनिक बूम क्या है, कमेंट करके बताइए। अंतरिक्ष यान 140 से 180 डेसिबल। ज्वालामुखी उद्गार होता है, जब विस्फोट होता है तब 190 डेसिबल, ठीक है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, एनी डाउट किसी को, कोई भी सवाल आपके मन में आए, कोई प्रश्न आपके मन में आए, तुरंत कमेंट पे कमेंट मारिए, चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर। लेकिन हाँ, ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप सब लोग इंस्टॉल कर रखिएगा, बहुत सारी क्लासेज आपको वहीं मिल जाएंगी, बहुत सारे नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और बाकी मेरी निःशुल्क क्लास तो आप पढ़ ही रहे हैं। एक सवाल आता है कि वायु में ध्वनि की चाल क्या है, वायु में ध्वनि की चाल क्या है, वीडियो क्वालिटी आपके इंटरनेट किससे बढ़ती है, आप लोग यहाँ पे 3 डॉट विंडो पर क्लिक करके वीडियो क्वालिटी बढ़ेगी, आपके इंटरनेट के आधार पर बढ़ती है। 332 मीटर प्रति सेकेंड, इंपॉर्टेंट है। आप अगर एक अच्छे अभ्यर्थी होंगे तो आपको पता हो गया होगा कि वास्तव में ये सीरीज ऐसी है जो शायद आपको अन्य यूट्यूब पर ना मिले, लोग कॉपी कर सकते हैं अलग बात है, उसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे सहायक अध्यापक आशीष जी का, जिन्होंने एक सरकारी शिक्षक होने के नाते इतनी बड़ा काम किया आप लोगों के लिए। ठीक है, अगला है सर्वाधिक ध्वनि की चाल कहाँ होती है, स्टील में होती है, माने ठोस में, ये तो जाते ही आप लोग। सर्वाधिक ध्वनि की चाल होती है स्टील में, क्लियर हो गया। प्रकाश की तरंगे होती हैं अनुप्रस्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रकाश के तरंगे कैसे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, रट लीजिएगा। जी हाँ, मैं जल्द ही आपके लिए सीरीज लेकर आ रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि अगला सोमवार आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है।
जहाँ पे मैं अन्य विषयों की सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जहाँ पे सामान्य विज्ञान मेरा पहला टारगेट है। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, यकीनन मैं आपके लिए बेहतर करूँगा। अब आते तरंगे तीन प्रकार की होती है, एकदम इंपॉर्टेंट सीरीज है। देखिए श्रव्य तरंगे किसे कहते हैं, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को हम जो मनुष्य का कान सुन सकता है उसे हम श्रव्य तरंगे कहते हैं। अब श्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से नीचे वाली ध्वनि को हम अब श्रव्य तरंगे कहते हैं, जैसे दिल की धड़कन। प्राय ये कुत्ते सुन पाते, जैसे हमारे पैर की धमक वगैरह होती है तो कुत्ते से सुन पाते, इसलिए कह सकते हैं कुत्ते भी सुन लेते हैं। ऐसे ध्वनि को कुछ जानवर सुन पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, ठीक। पराश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो ध्वनि होती है उसे हम पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। जी हाँ, चमगादड़ ऐसी तरंगे उत्पन्न कर सकता है। देखिए बाकी क्लास के लिए आप लोग टेलीग्राम जाइए, दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग पे दुर्गेश, पर वहाँ यहाँ पे क्लास के बारे में डिस्कस ना करिए, यहाँ केवल टॉपिक पर, ठीक है। सभी स्टार्ट होने जा रहा है, एकदम महत्वपूर्ण, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसकी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी मतलब ये केवल वही सीरीज है नोट्स में जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए सभी लोग। आगे कैसी लगी क्लास कमेंट करके बताइएगा। मिथाइल आइसोसाइनेट, इसे मिक गैस कहते हैं। कौन सी गैस? मिक, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव जो होता है, ये किस घटना से? भोपाल गैस त्रासदी। देखिए 2 दिसंबर 3 दिसंबर की रात में हुआ था, इसलिए परीक्षा में अगर आइएगा, 2 है तो 2 लगेगा, 3 है 3, दोनों परीक्षा में नहीं देगा, 2 या 3। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? 1984 में दिसंबर में। तो परीक्षा में ध्यान रहे, कहीं 2 देता है कहीं 3, क्योंकि 2 तारीख को रात में हुआ था तो 12 बजे के बाद 3 तारीख आ जाता है, इसलिए यहाँ पे 2 3 है। परीक्षा में या तो 2 देगा या तो परीक्षा में 3 देगा। कब? 1984। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? चलिए, चेरनोबिल की घटना ये यूक्रेन में घटी थी, ये 1986 में। कब घटी थी? 1986 में, 1986 में। केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़िए लोग, इसीलिए एलएनए पे दुर्गेश के नोट्स रखते हैं सब लोग। मुझे लगता है कि शायद ही लोग होंगे जहाँ पर जिस जिले में लेने के दुर्गेश की नोट्स ना पहुँची हो। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अच्छा, आज नए लोग किस जिले से आए हैं? मैं जौनपुर जनपद से हूँ। जो कौन कौन से ऐसे साथी हैं जो नए लोग जुड़े हैं, अपने जिले का नाम जरूर बताएंगे और एक विशेषता बताएंगे, ताकि करंट भी और आपका वो वहाँ की स्पेशल चीज़ें भी तैयार हो जाए। नई क्लासेज आपके लिए जल्दी ऐलान होंगी, परेशान ना हो। विश्व का प्रथम परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? अमेरिका द्वारा हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 को, फिर नागासाकी भी गिराया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के द्वारा, ध्यान रहे, अमेरिका के द्वारा जापान के नागासाकी शहर पर द्वितीय परमाणु बम गिराया गया 9 अगस्त 1945 को। माने हिरोशिमा फिर नागासाकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले कहाँ गिराया गया? हिरोशिमा पर, दूसरी बार नागासाकी में, ठीक है। लायन सफारी, वाओ, ठीक है। चलिए, परमाणु बम की जो क्रियाविधि किस पर काम करती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये नाभिकीय विखंडन पर, किस पर? नाभिकीय विखंडन पर काम करती है, रख लीजिए। हाइड्रोजन बम की क्रियाविधि किस पर है? नाभिकीय संलयन पर। याद रहे, सूर्य के पास जो ऊर्जा आती है, सूर्य के पास ऊर्जा नाभिकीय संलयन से ही आती है, रट लीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है, लगे रहिए और अपने जिलों में इस वीडियो को पहुंचाइए, हर उस ग्रुप में। देखिए, नाभिकीय संलयन, सूर्य में ऊर्जा कहाँ से आती है? तो नाभिकीय संलयन से आती है। ऐसे जल्दी मैं अयोध्या आने वाला हूँ, देखते हैं किससे मुलाकात हो पाती है। एक्स किरण की खोज किसने की थी? रॉन्टजन ने। रॉन्टजन ने क्या किया था? एक्स किरण की खोज की थी। रेडियम की खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसने किया था? मैडम क्यूरी। रेडियोएक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने। अब देखिए, एक ही जगह आपको सारी चीज़ें मिल गई, माने एक ही जगह पूरी सीरीज आपको मिल गई, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, ठीक है। सबके जिले में आएंगे, पहले आप सिलेक्शन लीजिए, मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन। आगे यहाँ पे देखिएगा, यूरेनियम थोरियम अल्फा बीटा गामा, ये रेडियोएक्टिव पदार्थ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जेरोक्स की मशीन से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? जैसे इलेनी पे दुर्गेश से जब आप नोट्स मंगाते हैं, जेरोक्स मशीन से निकलता है, तो सौरभ सर एक दिन हमसे पूछ लिया, सर कौन सी गैस निकलती है? तो याद रहे, आप भी जानते रहिएगा, वहाँ से सीएफसी निकलती है, और जो ओजोन के लिए सबसे ज़्यादा खतरा है, ओजोन गैस
और सीएफसी गैस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जेरोक्स मशीन से, अगर आप अभी नोट्स मंगाएंगे तो कहां से जाएगा, जेरोक्स मशीन से ही जाता है ना। हाँ, इलानी में दुर्गेश से अगर आप मंगाते हैं तो वहीं से जाता है, तो जेरोक्स मशीन से भी पूछ लेगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रदूषण, प्रदूषक क्या, अब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रदूषक। थैंक यू आप सभी का, दिल से थैंक यू। पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले कारक क्या है, प्रदूषक क्या, जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है उसे, जो उसका कारक होता है उसे प्रदूषक कहते हैं। ठीक है, प्रदूषक के प्रकार, एक होता है जैव अपघटनी, माने इसे जैव निम्नीकरण कहा जाता है। दूसरा अजैव अपघटनी, जैव अनिम्नीकरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट्स आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। जिनको ब्लर दिख रहा है वो तीन दार विंडो पर क्लिक करेंगे, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, कोशिश करिएगा आप 244p पे देखिए। इंटरनेट अच्छा है आपके यहाँ तो 360p पे देखिए, और अच्छा देखना चाहते हैं 480p पर देखिए, और अच्छा देखना चाहते हैं 720p पे देखिए। तो लेकिन इंटरनेट आपका ज़्यादा खाएगा, ठीक है। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, इतने जिलों से जुड़े हुए हैं ना, अपने हर जिले के ग्रुप में डालिए। यकीन मानिए, जो भी वीडियो को देखेगा परीक्षा हाल में जाएगा, एक प्रश्न फिक्स करके आएगा। हर वीडियो से 4 से 5 प्रश्न आप करेंगे। अब आते हैं, पहला टॉपिक पढ़ेंगे जैव निम्नीकरण क्या है। ऐसा प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट हो जाता है, जैसे आपने केला खाया फेंक दिया तो केले का छिलका कितने दिन बाद गायब हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये जैविक निम्नीकरण है, ये जैव अपघटनी, ये खुद ही डिकम्पोज, माने जो प्रकृति के द्वारा डिकम्पोज हो जाता है उन्हें हम जैव अपघटनी कहते हैं। जैसे कोई गधई मर गई तो क्या होगा, जब गधाई कोई मर जाएगी कुछ दिन बाद वहां पे दिखेगी गायब हो जाती है, मतलब उसे हम क्या कहते हैं, वो डिकम्पोज हो जाती है। ठीक है, वो डिकम्पोज हो जाती है। जैसे कूड़ा कचरा फेंक देते, जैसे आपने सब्जी काटी, सब्जी के छिलके फेंक दिए, कुछ दिन बाद गायब। सीवेज जो नाले होते हैं, वाहित मल होता है, ये सब क्या है, ये जैव निम्नीकरण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहां पर देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट समझ में आई, इसे हम जैव निम्नीकरण भी कहते हैं और जैव अपघटनी से दो नामों से जानते हैं, और परीक्षा में दोनों नाम पूछा जाता है। रट लीजिए, परीक्षा में दोनों नाम पूछे जाते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। जैव अपघटनी, आगे चलते हैं, यहां पे है जैव अनिम्नीकरण क्या है। ऐसे प्रदूषण जो प्रकृति को द्वारा समाप्त नहीं होते, काफी लंबे समय बाद समाप्त होते हैं, जैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लास्टिक, पॉलिथीन, ये तो रट लीजिएगा, परीक्षा में फिक्स पूछा जाता है। क्या है? फिक्स परीक्षा में पूछा जाता है, कौन कौन, एक तो प्लास्टिक, दूसरा पॉलिथीन, फिर हमने देखा शीशा, पारा, आर्सेनिक, DDT इतना ज्यादा खतरनाक होता है, जैसे इसे खेत में छिड़क दिया गया चेरी पे, और उस चेरी को अगर भैंस ने खाया या गाय ने खाया, तो गाय ने दूध दिया, उस दूध को पिएंगे तभी DDT का असर रहता है, इतना खतरनाक होता है, सोचिए इतना ज्यादा खतरनाक। फिर 2,4-D, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहां पे हो गया जैव अनिम्नीकरण, हाँ गधा गधी दोनों बोला जाता है। अब आइए देखिए, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यार आपकी संख्या बढ़ने की जगह कम हो रही है, ऐसा आप लोग काहे कर रहे हैं, कोई कमी है पढ़ाने में क्या, या टॉपिक सेलेक्टेड नहीं है, या टॉपिक में कोई दिक्कत है, आपकी अंतरात्मा खुद कहनी चाहिए। नोयल नदी किसे कहते हैं, तो मृत सरिता को नोयल नदी कहा जाता है। जीवी आपदा किसे कहते हैं, गोमती नदी को कहते हैं। जौनपुर जिला गोमती नदी के किनारे बसा है। यमुना नदी को ग्रीन सूप कहते हैं। यहीं से मेरा एक सवाल है, ठीक है, तीन बिंदु पर क्लिक कर आप यहां पे वीडियो के डॉट पर वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए, एकदम HD दिखेगा। एक बात मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा कि कोयला वाली नदी भारत में किसे कहते हैं, कोयला वाली नदी, कोयला नदी, और राइन नदी किसे कहते हैं, ये, और इसी को हम जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। इन सभी का उत्तर क्या है, दामोदर नदी, यह भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है। भ्रंश घाटी तीन नदियां बहती हैं, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। नर्मदा ताप्ती जो है अरब सागर में जाकर गिरती है। सबका क्लियर हो रहा है, यह भारत की राइन, सॉरी यहां में अधूरा प्रश्न हो गया, भारत की राइन नदी, भारत की जो राइन नदी उसे दामोदर कहते हैं। भारत की राइन नदी दामोदर कहते हैं। भारत के राइन किसे कहते हैं, दामोदर को कहा जाता है। भारत के राइन दामोदर को,
क्योंकि उसमें कोयला मिलता है, कोयले में हीरा भी मिलता है, और ये दुनिया के यूरोप में राइन है, और उसी के नाते इसका नाम भारत का राइन है। 24D खरपतवार नाशक है। एक प्रश्न आया 24D, ये खरपतवार नाशक है, ठीक है, ये क्या है? ये आपका खरपतवार नाशक है। ये कैसा है? ये खरपतवार नाशक है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है आपके लिए, लाइव है। पृथ्वी 29% भाग है, इसे स्थल विस्तार कहते हैं। पृथ्वी के 71% भाग जल का विस्तार है, लगभग 2/3, ये लगभग में है, 1/3 वो है। पीने योग्य पानी, इसका एग्जैक्ट डाटा आपको मिल जाएगा, अभी थोड़ा सा क्या हुआ, कम हुआ, नया डाटा आया है। महासागरीय जल लगभग 97% है। अगर इस जल को हम 100% मान ले तो 97% क्या है? महासागरी जल है, ठीक। और आगे देखते हैं, विश्व का सबसे गहरा स्थान मेरियाना गर्त, इसे मेरियाना ट्रेंच कहते हैं। 11,022 है, किसी किसी किताब में आपको मिल जाएगा 11,035 मीटर। ये प्रशांत महासागर है मेरियाना ट्रेंच, ठीक। सर्वाधिक आर्सेनिक प्रदूषित नदी है दामोदर, इसे बंगाल का शोक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बंगाल का शोक कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? बंगाल का शोक कहते हैं, दामोदर नदी को। सर्वाधिक आर्सेनिक प्रदूषित नदी है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, स्टोन कैंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या होता है? स्टोन कैंसर होता है, ठीक। वायु प्रदूषण के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार कौन सी गैस है? CO, लगभग 55% CO गैस और 35% SO2, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। रट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार 24D खरपतवार नाशक है। कितनी बार बताया? खरपतवार नाशक। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा सब लोग जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं। अच्छा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, सेल्फी नहीं, क्लास की सेल्फी नहीं, मतलब क्लास में सेल्फी लेना मना है, नहीं मना होना कुछ नहीं, आप जो चाहें करें, केवल सिलेक्शन लेना है। सर्वाधिक वायु प्रदूषण का कारण मोटर वाहन तथा उद्योग। कीटनाशकों के लिए अत्यधिक प्रयोग से प्रदूषण कौन सा होता है? जल प्रदूषण। देखिए, जब कीटनाशक का प्रयोग कहाँ करते हैं? खेतों में, बारिश का जल होता है, नालियों के माध्यम से नदियों तक पहुँचता है, तो उससे क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। क्या होता है? जल प्रदूषण, ठीक। प्लास्टिक को सड़ने गलने से लगभग 200 वर्ष लग जाते। देखिए, प्लास्टिक क्या होता है, अभी आप ऊपर पढ़ा, जैव निम्नीकरण, जैव अनिम्नीकरण, माने जो प्लास्टिक है उसे गलने में, सड़ने में 2,000 साल लग जाता है। माने अगर इसको, प्लास्टिक को जला दिया तो वायु प्रदूषण, दफना दिया तो मृदा प्रदूषण, माने इसको जलाइए तो दिक्कत, दफनाइए तो दिक्कत, हर प्रकार से दिक्कत है, ठीक है। देखिए, मेरियाना ट्रेंच की दो चाहिए, 11,035 मीटर और 11,022, दोनों आपको किताबों मिल जाएगा, किसी किताब में 11,005 मीटर मिल जाएगा, तो मैंने सभी बता दिए ताकि ये कंफ्यूज ना रहे कि दुर्गेश सर ने पढ़ाया, ये इस किताब में टैली नहीं कर रहा है, ठीक। धुआंसा या स्मॉग, यह वायु प्रदूषण की एक अवस्था है। क्या है? धुआंसा या स्मॉग, यह वायु प्रदूषक की, प्रदूषण की एक अवस्था है। धुआं प्लस कुहासा मिलाकर स्मॉग बनता है, और स्मोक फॉग, सॉरी यार, देखिए यहां से क्या बनता है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, स्मोक और फॉग से मिलाकर स्मॉग बनता है, ठीक है, ध्यान रख सभी को जो इस वीडियो को देख रहे हैं। क्लियर हो सबके कॉन्सेप्ट? सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं? सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं ना? फिर भी संख्या इतनी कम है। आगे अब प्राकृतिक वनस्पति, इसको छोड़ देते हैं ना, अब अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। देखिए, ये भी टॉपिक यहाँ भी देखिए, ये भी नोट से लर्निंग भी दुर्गेश का, इसको भी हम लोग बाद में पढ़ लेंगे ना, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमिगत जल प्रदूषण, और रेडियो सक्रिय क्या है, और यहाँ भोपाल गैस त्रासदी क्या था, चेर्नोबिल परमाणु क्या था, ये हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट के लिए, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम लोग चल रहे हैं इसके प्रश्न बैंक को हल करने के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी। वायु प्रदूषण के स्रोत क्या क्या है यहाँ पर है, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लें। ये नोट्स आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं लर्निंग विद दुर्गेश की तरफ से। चलिए, अब हम लोग प्रश्न की बैंक की तरफ चलते, वरना पता चला कि क्लास खत्म हो जाएगी और सारा प्रश्न बैंक भी नहीं हो पाएगा। आइए हम प्रश्न बैंक की तरफ चलते हैं। अब एक बार वीडियो को फिर से एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। जो भी नए साथी आ रहे हैं, अगर आपकी अंतरात्मा कहे तो लोगों तक जरूर पहुँचिएगा, कर भला तो हो भला। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत क्या है? इनके दहन का
मूल स्रोत क्या है? बताइए, ये आपके सिलेबस के आधार पर है। देखिए यहां पर इसका उत्तर बहुत ही आसान है, ये वायु प्रदूषण का। अब ये कोयला जलाएंगे तो क्या होगा? वायु प्रदूषण। पेट्रोल जलाएंगे, वायु प्रदूषण। डीजल जलाएंगे, वायु प्रदूषण। मतलब कितना आसान सा प्रश्न है और सभी लोगों ने इसका जवाब दे दिया। राइट, एनी डाउट? चलिए सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने इस वीडियो को देख रहे हैं। मानिए परीक्षा हाल में बैठे हैं और ऑनलाइन परीक्षा दे रहे हैं। प्रकाश रासायनिक ध्रुव कोहरे के बनने के समय कौन सा एक उत्पन्न होता है? ओजोन, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन। एकदम आसान से इसका उत्तर है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऊपर के नोट्स में था नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्लियर कॉन्सेप्ट? धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? ये रट लीजिएगा। अगर धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है, बताइए सभी लोग। स्क्रीनशॉट मार लीजिए बस। अरे बहुत बड़ी नोट्स है ये, मतलब इसमें हर एक टॉपिक है। ऐप पे जाइए, सबको मिल जाएगा आपको। देखिए, धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका उत्तर क्या होगा? पराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। डी वालों का जवाब सही है, डी वालों के। एकदम रट लीजिएगा, डी वालों का जवाब पूरी तरह सही है। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? ठीक, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, रट लीजिए। परीक्षा में सीधे पूछे जाएंगे, सीधे आपको जवाब देना है। सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस, ये नोट्स में है, आज मैंने पढ़ाया। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो यहां पे बताया था मैंने CO 55%, SO2 35%। यहां पर विकल्प कौन सा? ये वाला है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर कार्बन मोनोऑक्साइड। इसे हम दम घोटू गैस के नाम से भी जानते हैं। सभी के सही हो रहे हैं जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, सबके सही हो गए, किसी के गलत नहीं हुआ ना। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। सोचिए, नोट से मिलते जा रहे, धीरे धीरे जो जो आगे बढ़ेंगे त्यों तो आपको लगेगा हाँ यार मैंने तो पढ़ लिया था। निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? नहीं है माने नहीं है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न को, गलती मत करिएगा। देखिए, PAN है, उसका फुल फॉर्म मैंने पढ़ाया ऊपर। स्मॉग है, ओजोन है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, SO2 नहीं है। इसलिए जो गलत है वही आपका सही है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी, द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट सबके? जो गलत है वही हमारा सही है। आगे चल अगले प्रश्न की तरफ। आपने 10-10 साथियों को क्लास में जोड़िए। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार और सिगरेट से निकलने वाली जो रंगहीन गैस कौन सी होती है, बताइए रंगहीन गैस कौन सी होती है? अधूरे प्रज्वलन से कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, क्या होगी? ये मैंने शुरुआत में ही पढ़ा दिया था जब आप पढ़ रहे थे भैया। सिगरेट से निकलने वाली मोटर कार से क्या निकलती है? CO माने कार्बन मोनोऑक्साइड। सी वालों के जवाब सही हैं, सी वालों का उत्तर राइट है। मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? सभी साथी कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे, ठीक है? सभी लोग कार्बन मोनोऑक्साइड। ये देखिए CH4 है, इसे मार्स गैस कहते हैं। ये सड़े गले पदार्थों से जब पशु जुगाली करते हैं तब निकलता है, धान के खेत से। तो ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए।
सुपर टेट का सिलेबस पब्लिक कर दीजिएगा, डाउनलोडेड है, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड बाद में बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड बाद, इसका उत्तर क्या होगा? बी, तुरंत कर दीजिए। वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? डायरेक्ट पब्लिक, एस्बेस्टास, धूल, कैडमियम, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड। दरअसल क्या, अगली क्लास के लिए भी डिस्कस करना पड़ता है, कभी कभी क्लास में ही बात हो जाती है सौरभ सर से। वायु प्रदूषकों में से कौन सा रक्त धारा को दुर्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? मैंने बताया दमघोटू किसे कहते हैं, शुरुआती में जिसे पढ़ाते से मैंने बार बार जोर देके कहा ये दमघोटू है, दम घुटने से मृत्यु होती है। क्या होती है? दम घुट जाएगा, मृत्यु, इसे दमघोटू गैस कहते हैं। क्यों कहते हैं मैंने बताया था शुरुआत में, अगर आप शुरू से क्लास देख रहे होंगे इसका उत्तर आपको पता होगा, क्लियर। ये डेली क्लास इसी समय चलती है, बड़ी कम संख्या है, पता नहीं क्या कमी है पढ़ाने में। अगला, निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? मैंने बताया ऑक्सीजन से 250 गुना ज्यादा क्रियल है। आज का सभी आंसर सीओ, एक एक टॉपिक बाय टॉपिक है ना। देखिए ऑक्सीजन से ज्यादा तेज क्रिया करता है 250 गुना कार्बन मोनोऑक्साइड, लगभग 250 गुना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड सीओ गैस, सीओ साहब है ये। मेरा उद्देश्य यह है कि कितना भी प्रश्न घुमाकर आए परीक्षा में गलती मत करिए, और हमारा एक ही उद्देश्य ही है, अगेन सीओ साहब। निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? ओजोन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये इसका भी उत्तर आपको पता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि 55% है, सबसे ज्यादा हानिकारक ये करता है, ठीक। फिर भी आप लोग शेयर नहीं करे, बहुत लंबी क्लास चलेगी अभी लगभग 1 घंटे। कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है, बताइए? अब बताइए इसका उत्तर क्या होगा, बताइए फटाफट कमेंट करके। ये होगा लगभग 35% ने बताया था, सल्फर डाइऑक्साइड। मैंने इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी। अब नई कहानी शुरू, ठीक है। अब सल्फर डाइऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद सल्फर डाइऑक्साइड का नंबर लग गया, तो SO2। क्लियर हो रहे सबके? अगला, फ्लाई एश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो क्या प्राप्त होता जलाने से? कोयला, पत्थर, चारकोल लकड़ी के कोयले को, डीजल मिट्टी के तेल को, CNG। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए यहां पर एकदम सही आप लोगों का, फ्लाई एश ये कोल पत्थर के कोयले को, ठीक है, कोल या पत्थर के कोयले को, ठीक है। अगर ये ना होता विकल्प में तब इसका उत्तर ये लगाते, अगर कोल पत्थर का कोयला ना होता तब आप चारकोल लगा सकते थे, लेकिन कोल पत्थर का कोयला जब रहेगा तब इसका उत्तर कोल पत्थर का कोयला ही होगा। विकल्प की अनुपस्थिति में विकल्प बी का चयन करेंगे। प्रेजेंट ऑफ माइंड का प्रयोग परीक्षा हाल में करना ही आपको पता ही है। कौन सा प्रदूषक संकेतक पौधा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा प्रदूषक संकेतक पौधा है, बताइए? कौन प्रदूषक प्रदूषण संकेतक पौधा है? शैवाल, कवक, लाइकेन, फर। एकदम सही आप लोगों ने बताया, लाइकेन। सी वाला उत्तर क्या है? लाइकेन, माने ये प्रदूषक का संकेत करने वाला पौधा। ये सारे प्रश्न आपको परीक्षा में एकदम सीधे सीधे मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे। अच्छा एक बात और रखिएगा, पृथ्वी पर जो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है शैवाल की वजह से, O2। इसका उत्तर क्या होगा? लाइकेन। ये बात जानते रहिएगा, 90% लगभग शैवाल से। लाइकेन सबसे अच्छा किसका सूचक है? अब आगे देखिए, प्रश्न को घुमा के पूछ दिया। मेरा उद्देश्य यह है कि परीक्षा से एक भी प्रश्न आपका गलत ना हो, और मेरी क्लास पढ़ने के बाद कभी गलत ना हो, और किसकी पढ़ते नो डाउट, लेकिन मेरी क्लास से कभी भी कोई भी गलती ना करने पाए। बताइए फटाफट कमेंट करके, लाइकेन सबसे अच्छा सूचक किसका? वायु प्रदूषण का। एकदम सही जवाब है ए, वायु प्रदूषण का। क्लियर होता जा रहा है आप लोग का?
कौन सा जल प्रदूषक नहीं है? जस्ता, तांबा, निकेल, सल्फर डाई ऑक्साइड, बताइए। सभी लोग इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। चलिए यहां पे ध्यान से देखते हैं, कौन सा जल प्रदूषक नहीं है? तीन और एक नहीं है, तो बताइए कौन सा नहीं है। देखिए जस्ता तांबा है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड ये कौन सा प्रदूषण है? इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी। एकदम आसान है यार, जल प्रदूषक नहीं है ये, तो वायु प्रदूषक है ना। इससे जल प्रदूषण कहाँ होता है? इससे तो वायु प्रदूषण होता है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सल्फर डाइऑक्साइड किस लिए क्या होता है? इससे वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण नहीं होता। अभी ऊपर हम लोग ने इतनी बार पढ़ा कि 35% इससे होता है, 55% कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है। ठीक, अगला, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? देखिए ऑनलाइन क्लास नोट्स संबंधी अगर कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। सभी भर्ती परीक्षा के नोट्स आपके यहाँ उपलब्ध हैं। यह क्लास जौनपुर जनपद के मेरे द्वारा आज गेस्ट के रूप में निःशुल्क चलाया जा रहा है। ये इन लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है जहाँ से मैं गेस्ट के रूप में आपको पढ़ा रहा हूँ। बताइए सभी लोग फटाफट, किसके द्वारा? एकदम सही जवाब है, वर्षा के द्वारा। और वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है। इसके द्वारा, वर्षा के द्वारा, जो डस्ट धूलकण होते हैं वर्षा होगी तो नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? सिगरेट के धुएं से मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं डाइऑक्सीन, कार्बन मोनोऑक्साइड व निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड बेंजीन, डाइऑक्सीमिथ बेंजीन, क्या होगा बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। कार्बन मोनोऑक्साइड तो होगा, सही है, उसके साथ बेंजीन होगा। मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी। सी वालों का जवाब सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड वो बेंजीन, निकोटीन इसमें नहीं होता यार। निकोटीन किसमें मिलता है बताइए? निकोटीन किसमें पाया जाता है कमेंट कर बताइए। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में कौन एक वायु प्रदूषण को रोकथाम एवं एक यंत्री विधि नहीं है? कौन एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्री विधि नहीं है बताइए? सभी लोग बताइए, बैक फिल्टर, साइक्लोन कलेक्टर, साइक्लोन सेपरेटर, साइक्लोन डिवाइडर। देखिए परीक्षा में आपके सिलेबस से बाहर के सवाल आते हैं और हम ये चाहेंगे कि आपके सिलेबस के बाहर को हम भी कवर करें। क्लास लंबी होगी आज की, इसलिए करो वीडियो को शेयर करिएगा, लंबी क्लास होगी। ये साइक्लोन डिवाइडर होगा, क्या होगा ये साइक्लोन डिवाइडर? ऐसे प्रश्न को याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अभी भी लगभग एक घंटे ज़्यादा क्लास चल रही है आपकी। अम्ल वर्षा निम्नलिखित में द्वारा वायु प्रदूषण का कारण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथेस, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, किसके कारण होती है बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए ऊपर यहां पे मैं बता दूं, यहां पे देखिए नाइट्रस ऑक्साइड होगा N2O, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो डी है। ये मैंने पढ़ाया है आप लोग को आज की सीरीज में, ठीक, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। उसके बाद यहां याद रखिएगा, कौन से वायु प्रदूषण की रोकथाम की यंत्री विधि नहीं है? तो ये है बैक फिल्टर है, साइक्लोन कलेक्टर, साइक्लोन सेपरेटर, लेकिन साइक्लोन डिवाइडर नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी, क्योंकि यहाँ पे पूछा था नहीं है, कौन सा नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका? डी होगा। क्लियर, प्रश्न को पूरा पढ़िएगा वरना गलती हो जाएगा। निम्नलिखित में से अम्ल वर्षा, अम्ल वृष्टि का मतलब अम्ल वर्षा होगा, का कारण है? तो यही है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, माने SO2 N2O, ठीक, स्टोन लेप्री, लेप्रोसी और लाफिंग गैस, दोनों को अपना मैंने पढ़ाया आज की सीरीज में। अम्ल वर्षा में प्रदूषण, अम्ल वर्षा में नीचे दिए गए कौन से प्रदूषक वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं बताइए सभी लोग? एक सल्फर डाइऑक्साइड SO2, रट जाएगा आप लोग को मेरी क्लास पढ़ने के बाद, पूरा रट जाएगा पर्यावरण ही। ठीक है,
नाइट्रोजन ऑक्साइड यही है ना। अच्छा नाइट्रस ऑक्साइड होगा, मैं नाइट्रोजन ऑक्साइड बार बार नाइट्रस ऑक्साइड लिख रहा हूँ, सॉरी ये नाइट्रस ऑक्साइड होगा, मैं बार बार गलत लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड में बार बार गलत लिख रहा हूँ उसके लिए सॉरी, मैं बार बार गलत लिख रहा हूँ, नाइट्रोजन ऑक्साइड में बार बार गलत लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं नाइट्रोजन ऑक्साइड बार बार गलत लिख रहा हूँ, ठीक, इसलिए आप लोग यहाँ पर सही कर लीजिएगा। जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, हो सकता है आप लोग कहें यार नहीं, देखिए मैं बार बार गलत लिख रहा था, ये मेरे दिमाग में ही नहीं आ रहा था, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, माने एक दो, केवल क्या होगा एक दो, ठीक, जितने लोगों ने इसको बताया है वो ध्यान रहे सबको, क्लियर। यहाँ से किसी के मन में कोई दिक्कत कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? SO2। देखिए इसका नाम ओजोन है, इसका नाम मेथेन है, इसका नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। देखिए थ्योरी पढ़ने के बाद सारे क्वेश्चन आपके सही होते जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जितनी चीजें मैंने पढ़ाई वो सिलेक्टेड प्रश्न थे, सिलेक्टेड टॉपिक भी था, ठीक है। अभी किसी के मन में कोई दिक्कत कोई सवाल तो पूछ सकते हैं, लेकिन यार वीडियो शेयर करिए, संख्या क्यों कम कर रहे हैं आप लोग। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है बताइए? एक तो होगा नॉर्वे, दूसरा आपका कनाडा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? सी। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? सी। ये आपके सर परीक्षा में हूबहू पूछे जाएंगे, यकीन नो, प्रीवियस ईयर पेपर हल करके देखिएगा, एक भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे आप, जितना मैंने पढ़ाया है। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन से हैं? बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक, विषाणु। यार आपकी संख्या क्यों कम होती है यार, बढ़नी चाहिए यार, सपोर्ट करिए यार, क्लास को सपोर्ट करिए, मुझे मत सपोर्ट करिए। हम आज आपके लिए बड़ी क्लास लेकर आए ताकि आज का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बताइए भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला जो अजैविक प्रदूषक है वो क्या है? सभी लोग बताइए। आर्सेनिक। भारत में सबसे ज्यादा आर्सेनिक किस राज्य में है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में कौन सा एक वायु प्रदूषक से संबंधित नहीं है? बहुत ही आसान है, कौन सा वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? सभी लोग कमेंट करें। देखिए स्मॉग है, अम्ल वर्षा है, एस्बेस्टोसिस है, ठीक है, जिसे फ्लाईएस वाला, लेकिन यूट्रोफिकेशन नहीं है, मतलब सी जो गलत है वही आपका सही है। क्लियर होता जा रहा है सबका कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट सबका? कहां आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? अभी मैंने जस्ट भी बात किया और आपका प्रश्न भी आ गया, सोचिए मैंने जैसे ही पढ़ाया तुरंत आपका प्रश्न आ गया, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। सोचिए कितना बढ़िया आप आज सीरीज हल कर रहे हैं, मजा आ रहा है क्लास में? गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा कहां मिलती है? ये सीरीज में मैंने पढ़ाया आज की क्लास में, कानपुर से इलाहाबाद के मध्य, कानपुर से इलाहाबाद के मध्य। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, अगला, सबको लग रहा होगा ये मस्टरबा जो है बकलोल टाइप का होगा। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुलू ही मात्रा मापी जाती है किसमें? क्लोरीन, नाइट्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन, किसमें मापी जाती है बताइए? सभी लोग जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुलू ही मात्रा मापी जाती है ऑक्सीजन में। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अभी हम लोगों ने बात किया, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी, बीओडी जानते हैं आप लोग? मेरा एक सवाल है आपसे, सीओडी क्या है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है,
केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका मतलब क्या है कॉमेंट करके बताइए। बीओडी हम लोग को बताई दिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ये सीओडी क्या है? अब ये मत करिए कि ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं सीओडी है, कैश ऑन डिलीवरी, इसका मतलब कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। कैल्शियम सॉरी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड सीओडी होता है ना, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो कैश ऑन डिलीवरी, तो ये कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, ये कैल्शियम सॉरी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। चलते हैं आगे, फिर आ गया बीओडी। किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत देती है उसका जल क्या है, खनिज प्राप्त कर रहा है, गैस प्राप्त कर रहा है, सीवेज से प्रदूषित हो रहा है, एट्रोफिक है, क्या है बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पेज पे, जहां भी देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिए, जवाब दीजिए। जितने इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें। देखिए यहाँ के प्रश्न को मैं जरूर जवाब देना चाहूंगा ऐसे प्रश्न को, क्योंकि यहां से परीक्षा में सवाल जरूर से जरूर आते हैं। बताइए तो यहां पर होगा सीवेज से प्रदूषित हो रहा है, किससे हो रहा है, सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। अभी मैंने बताया कहां पे बीओडी सबसे ज्यादा कहां मिलती है देखने को, तो आपने बताया कानपुर से इलाहाबाद के मध्य, कहां से, कानपुर से इलाहाबाद के मध्य, क्योंकि वहां पे सीवेज पाइपें सबसे ज्यादा मिलती हैं, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है, औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है कहां, चमड़ा, कागज, रेयान, वस्त्र। तो बताइए इलाहाबाद से कानपुर के बीच सबसे ज्यादा कौन सा उद्योग है, तो चमड़ा उद्योग। रासायनिक प्रदूषण यही वाला है सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। कूट वाले सवाल आना शुरू। देखिए जितने लोगों ने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है, सभी नए जो आ रहे हैं वो दुर्गेश सर सर्च करेंगे टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करके, ई लर्निंग विद दुर्गेश है, उसे ज्वाइन कर लेंगे। और ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर पर है, वो भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारी क्लासेज आपको मिल जाएंगी, रॉक क्लास मिलेगा वहाँ पे, आप ऑनलाइन टेस्ट दे पाएंगे और प्रैक्टिस सेट आपको जल्द ही मिल जाएगा, सारे नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे, तो ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा सब लोग। कौन से भारत के कुछ भागों में पीने के जल प्रदूषण के रूप में पाए जाते हैं, जो भारत के कुछ क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ? देखिए एक आर्सेनिक मिलता है, सार्बिटॉल नहीं मिलता, ये भी मैंने नहीं पढ़ाया, फ्लोराइड मिलता है, यूरेनियम ये मैंने पढ़ाया था, ये तीनों मिलते हैं, माने 1, 3, 5, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी। क्या सबके जवाब सही हो रहे हैं? ये थ्योरी मैंने पढ़ाया आज की क्लास में, मैंने थ्योरी पहले पढ़ाया फिर उससे एमसीक्यू प्रश्नों को हल कराया। बड़ी क्लास हुई कुछ लोग देखभाई नहीं करेंगे, कहेंगे दुर्गेश्वरी क्लास इतनी बड़ी कौन देखेगा। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं, अब बताइए। ये मैंने पढ़ाया है आज की सीरीज में ही पढ़ाया है, सोचिए कितने मजेदार क्लास आपकी है, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। सर पानी पिलाएंगे, टैग वर्क से लगाइएगा, ट्रेंडिंग टॉपिक को बताइए। नोयाल, दामोदर, भिमानी, भदार, तो दामोदर नदी को कहते हैं, इसे भारत के रूर राइन कहते हैं। कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, लंदन, कहाँ पर है, लंदन में है, कहाँ पर है, लंदन में, ठीक है। अब हम और आगे देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से इकाई का प्रयोग करते हैं, किस इकाई का प्रयोग करते हैं कमेंट करके बताइए। नैनोमीटर्स, डेसिबल, हॉर्स, उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए द ऑप्शन के लिए तो ओजोन है, डेसिबल। सामान्य बातचीत कितने डेसिबल तक होती है, सुपर बूम क्या है, सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण किस प्राकृतिक घटना से घटती है, सबको मैंने पढ़ाया आज। निम्नलिखित में कौन सा अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है, भारी ट्रक यातायात, निर्वाचन सभा, पाप संगीत, बताइए क्या है, सभी लोग फटाफट कमेंट करें जल्दी जल्दी। दूसरा दिन बाद बंद हो गया।
अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है भारी ट्रक यातायात। जेट उड़ान कैसे, इसका 180 डेसिबल है। जेट विमान 180 डेसिबल, ये कृत्रिम रूप से देखा सबसे ज्यादा। तो यहां पर मैंने पढ़ाया, ये नोट्स में सवाल था, सुपरसोनिक जेट यार आज की सीरीज में था, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ पहले नोट्स पढ़ लीजिए, एक बार आप लोग नोट्स पढ़ लीजिएगा, जरूर से पढ़िएगा, यकीन मानिए भरोसा रखिएगा। जिस तरह डॉक्टर के पास जाते हैं, बड़ी बीमारी बताते हैं, डॉक्टर कोई टैबलेट लिखता है, खा लेते हैं और आपकी बीमारी ठीक हो जाती है, जितना विश्वास अपने डॉक्टर पर करते हैं उतना विश्वास इलनिबे दुर्गेशकर मास्टर पर भी करिएगा, यकीन मानिए आपको सफलता जरूर दिलाकर छोड़ेंगे। बस हिम्मत मत हारिएगा, कभी खुद से मत हारिएगा, दुनिया की कोई ताकत आपको सफलता से नहीं रोक पाएगी। किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का प्रयोग किया जाता है, समय इंपॉर्टेंट सीरीज है और मैंने पढ़ाया है, फिर भी अगर आप गलती कर रहे हैं तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार है। इस जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद की जमी से ग्रीन मफलर का प्रयोग कहां किया जाता है, सभी लोग बताइए फटाफट कमेंट करके। अब नहीं बताएंगे तो हम क्या कर सकते हैं बताइए, मैंने आपसे बार बार पूछा भैया बताइए क्या है कैसे होगा। चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करिए बताइए। यहाँ पर होगा ध्वनि शोर, ग्रीन मफलर सड़क किनारे पेड़ क्यों लगाए जाते हैं, सड़कों किनारे पेड़ क्यों लगाए जाते हैं। उर्वरक के अधिक प्रयोग से क्या होगा, जब उर्वरक का ज्यादा प्रयोग करेंगे, मैंने पढ़ाया था, मैंने बताया था उर्वरक का ज्यादा प्रयोग करेंगे खेतों में, फिर खेत का पानी कहाँ जाएगा, नालों में, नाला का पानी नदी में जाएगा तो नदी प्रदूषित होगी तो जल प्रदूषण होगा, इससे उर्वरक के अधिक प्रयोग से क्या होगा, वायु प्रदूषण तो होगा नहीं जी, होगा बताइए, नहीं होगा। अब यहाँ पे लेकिन जल प्रदूषण होगा और मृदा प्रदूषण होगा, और जल मृदा जब होगा यहाँ पर इस प्रश्न के हिसाब से, इस प्रश्न के हिसाब से अगर यहाँ पे ए एंड बी देता तो सही है, नहीं दिया है, इस दशा में हम ऑल ऑफ दिस का प्रयोग कर सकते हैं, इस दशा में वैसे ए और बी ही इसका उत्तर आंसर सही है, मृदा प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा, लेकिन वायु प्रदूषण भी होगा, उसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। जब तेज से हवाएं आधियां चलती हैं तो जो खेत में डाई पोटास आदि का केमिकल का प्रयोग किया जाता है वो भी वायु में मिल जाते हैं और वो वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। अगर ऐसा प्रश्न आपके विकल्प में आएगा तब उसका आलाप दीज होगा, अगर ऐसे केवल ये पूछा होता तब इसका उत्तर वायु जल प्रदूषण ही होता। ठीक है, मेरी बात को समझिएगा, प्रश्न को उत्तर देते समय प्रेजेंट ऑफ माइंड का प्रयोग जरूर करिएगा। ठीक है, प्रेजेंट ऑफ माइंड जितना बेहतर करेंगे परीक्षा में सिवाय आपके दिमाग का कोई नहीं होगा, प्रत्येक गलती प्रत्येक सही आपके स्वविवेक से होगा। अगला, भोपाल गैस त्रासदी मिक गैस, कार्बाइड की यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, और अगर पूछा जाए तो ये 2 से 3 दिसंबर 1984 विकल्प में दो दिया, दो नहीं तो तीन विकल्प में, दोनों में से एक ही देगा, बताइए क्या होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई मिथाइल आइसोसाइनेट, इसे मिक गैस के नाम से जानते हैं। ठीक, सबको समझ में आ रहा है जी? अनुप जी आपने एकदम सही बताया। चलिए, पॉलिथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि किसकी बनी होती है, क्या गजब का सवाल है। पॉलिथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता, 200 साल तक नष्ट ही नहीं हो सकती, 200 से ज्यादा साल तक, क्यों? न टूटने वाले अणुओं से, अकार्बनिक यौगिक से, पॉलीमर से, प्रोटीन से, एकदम सही बताया आप लोगों ने, एकदम सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, पॉलीमर से, किससे? पॉलीमर से, ठीक है, किससे बने हैं? पॉलीमर से। निम्नलिखित में से किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है? देखिए, ऑनलाइन क्लास नोट्स संबंधी अगर जानकारी चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं आपको एज ए गेस्ट के रूप में पढ़ा रहा हूँ इसलिए मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं, इलानी दुर्गेश ऑफिस से कॉल करिए, वहीं से जानकारी इकट्ठा करिए। देखिए, किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है? तो मैंने बताया प्लास्टिक 200 साल से ज्यादा समय, चमड़े का जूता डिकम्पोज हो जाएगा, सीरे टुकड़ा खत्म हो जाएगा, फोटो फिल्म खत्म हो जाएगी, लेकिन प्लास्टिक का थैला जो होता है वो सालों साल चलता जाता है, जला दिए तो वायु प्रदूषण, दफना दिए तो भी प्रदूषण, माने इसको किसी भी तरह से नष्ट करेंगे, इसीलिए हमें
और सबसे पहले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाला, पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का कौन सा राज्य है? भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जो गैस रिसाव की गई थी वो कौन सी गैस थी? देखिए कितना सर, एक टॉपिक के बाद अगला प्रश्न आ रहा है, आप कितना अच्छा सही करते जा रहे हैं, यही आपके सिलेक्शन की सबसे बड़ी न्यू होगी मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं। मिथाइल आइसोसाइनेट, इसे मिक कहते हैं, भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? देखते इस प्रश्न का सही जवाब कौन देता है, क्योंकि मैंने सीरीज को पढ़ा दिया है, और जब मैं पढ़ा दूं मुझे नहीं लगता इस प्रश्न का उत्तर आपका गलत होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए ना, जहां पीडीएफ आपको ना मिल पाए स्क्रीनशॉट मार लिया करिए, तुरंत आपके पास प्रश्न आ जाएगा। देखिए 2 से 3 दिसंबर 1984, कहीं कहीं 2 दिसंबर है, कहीं 3 दिसंबर है, ये विकल्प पर है, तो विकल्प में 3 है 3 मारी की। मैंने कहा दोनों में से एक ही विकल्प होगी, क्योंकि रात में घटना घटी थी। ठीक, चेर्नोबिल दुर्घटना किसे संबंधित है? यार डेली क्लास टाइम से होती है, सभी लोग मोबाइल में अलार्म लगा के रखिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, ऐसी क्लास पढ़ना है। मैंने पहले कहा था क्लास बहुत बड़ी होगी। बताइए चेर्नोबिल कौन सी घटना थी? ये एक नाभिकीय दुर्घटना थी। कहां पे? कमेंट कर बताइए, मैंने पढ़ा है, नोट्स में था, बताइए कहां पे? नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग उपयोग कहां का कारक क्या है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, उष्मीय प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग सामान्यतः किसमें प्रयोग किया जाता है? चलिए उष्मीय प्रदूषण सी, हिरोशिमा नागासाकी हम लोगों ने पढ़ा था अभी। जी हाँ, देखिए ये कहाँ पर थी? ये घटना जो घटी थी चेर्नोबिल की, यूक्रेन में। कहाँ पे? यूक्रेन में। देखिए अगला है, यहाँ पे कूट वाले सवाल है, मैं चाहूँगा आप लोग तुरंत कूट में लाइए। कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो भैया इससे क्या होगा? श्वास संबंधित रोग, दम घुट जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। नाइट्रोजन की ऑक्साइड से, इससे क्या होगा? कैंसर होगा। धूल कण से, धूल कण से क्या होगा? एक मिनट रुकिएगा, अपन लोगों को ध्यान देना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होगा? लीवर किडनी खत्म होगी। नाइट्रोजन के ऑक्साइड से, शीशा से, हाँ देखिए सही है, ठीक है, यहाँ पे शीशा से केंद्रीय नर्वस सिस्टम, धूल कण से श्वास संबंधी रोग, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से कैंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड से लीवर और किडनी, देखिए सही है। एक बार जरा आप लोग मिला ही लीजिए, यहाँ पे विकल्प चार 3 2 1, कार्बन मोनोऑक्साइड श्वास संबंधित रोग नहीं होगा, ये दम घोटू, दम घुटने से मृत्यु होगी, तो देखिए इसमें विकल्प गलत हैं, सॉरी यहाँ पे विकल्प गलत हैं, विकल्प आधार इसको हल नहीं किया जा सकता, विकल्प यहाँ पे रॉन्ग दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे विकल्प गलत हैं। इस प्रश्न को हम लोग आगे पढ़ लेंगे, टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, ठीक है, यहाँ पे प्रश्न के विकल्प गलत हैं, प्रश्न के विकल्प गलत, इस प्रश्न को छोड़ दिया जाता है, और टाइप करने में थोड़ी सी लापरवाही हो गई होगी। आगे देखते हैं हम लोग, सूची एक को फिर से दो से मिलान करते हैं। ये एक तरफ वायु प्रदूषक और दूसरी तरफ प्रभावित अंग है। जो एस्बेस्टस की धूल होती है, एस्बेस्टस की धूल होती है उससे फेफड़ा, ये सही है। अब शीशा से मस्तिष्क, इसे भ्रम की बीमारी भी पैदा होती है। पारा, अब पारा से क्या होगा? ये होगा उदर संबंधित। कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त की धाराएं, क्योंकि ये अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था कि दम घुट जाएगा, दम घुट जाएगा, दम घोटो, ऐसे श्वास प्रभावित होगी, सांस फूलने लगेगा, रक्त धाराओं में ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाएगा, तो दम घुटने लगेगा, तो रक्त धाराएं, ठीक है, इसे दम घुटने लगता है तब, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो कमेंट करके बताइएगा, इसके हिसाब से क्या उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये मैंने पढ़ाया है, नोट्स में था, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ प्रदूषक है, दूसरे होने वाली बीमारी। देखिए पारा की कमी से मिनीमाटा बीमारी होती है, आपने सुना होगा जापान के बारे में,
कैंडमियम से इथाइटाई होती है, नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम, फ्लोराइड से अपच, गलत है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी। ठीक, क्लियर हुआ सबका? किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकता है कि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं। हवा में तैरते हुए जो श्वसनी सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पर, जहाँ भी देख रहे हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। मुझे लग रहा है कि क्लास अभी भी 15-20 मिनट से ज़्यादा, आधे घंटे ज़्यादा चलेगी। ठीक है, देखिएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। यहाँ पर प्रश्न का उत्तर होगा 5 माइक्रॉन से कम। 5 माइक्रॉन से कम क्या होगा? 5 माइक्रॉन से कम होगा, 5 माइक्रॉन से कम होगा। अभी क्लास आधे घंटे से ज़्यादा चलेगी आप लोग की, 5 माइक्रॉन से कम होगी। आप लोग वीडियो को शेयर कर दिए जल्द ज़्यादा से ज़्यादा। निम्न में कौन सा प्रदूषक कारक जैविक रूप से कौन सा प्रदूषक कारक जैविक रूप से अपघटित होता है? एस्बेस्टस, डीडीटी, प्लास्टिक, मल, क्या होगा बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। जितने इस वीडियो को लाइक देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पे, कमेंट करिए, जरूर बताइएगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करें और जवाब दें। देखिए, आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। जैविक रूप से एस्बेस्टस नहीं होगा, डीडीटी नहीं होगा, प्लास्टिक, मल हो जाएगा, मलमूत्र जो है ये हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प है आपका, ये आपके सामने जो है, वहाँ पर इस प्रश्न का एकदम सही और राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैसों का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बताइएगा सभी लोग फटाफट कमेंट करके, जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जैसे फेसबुक पे। ठीक है, ठीक है, ये आज का आखिरी सवाल होगा, क्योंकि आप लोग की संख्या काफ़ी कम है। तो आप लोग सभी लोग ऑनलाइन क्लास से नोट्स संबंधी अगर कोई जानकारी चाहिए, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले लीजिएगा। ठीक है, अगली क्लास कुछ मिनट के बाद है, आप लोग वहाँ पर जाके पढ़ लीजिएगा। ये मेरे द्वारा क्लास निःशुल्क है, देशहित में, राष्ट्रहित में। बच्चे हुए क्लास को फिर हम किसी दिन और ले लेंगे। ठीक है, हाँ, अगली क्लास के नाते इस क्लास को सस्पेंड करना पड़ेगा। तो आप लोग सभी लोग जुड़े रहिएगा, और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, जो भी साथी नए आ रहे हैं, तो टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा और सर्च करिएगा दुर्गेश सर। जैसे आप दुर्गेश सर सर्च करेंगे, इलर्निंग विद दुर्गेश सर, उसे ज्वाइन कर लेंगे। वैसे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना, ठीक है, तो वहाँ पर इसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, इलर्निंग विद दुर्गेश सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आप लोग वीडियो को नहीं शेयर करें, इसलिए मुझे अभी लग रहा है अगली क्लास भी है, तो मैं प्रयास करूँगा आज क्लास भी डिस्टर्ब होगी। आपका स्कोर अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा मुझे भी, और लगातार स्कोर अच्छा रहेगा अगर आप लोग डेली क्लास में आएंगे, टाइम से आएंगे तब। आप लोग टाइम से नहीं आते तो कैसे होगा बताइए। आइए ध्यान से देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, किसका? क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। कितने लोग डेली क्लास में रहेंगे कॉमेंट करके बताइएगा। देखिए, टाइम से आप लोग आइएगा, बल्कि मोबाइल में आप अलार्म लगा के रखिएगा। अगले दिन से कुछ स्पेशल क्लास अनाउंस होने वाली है, इसलिए हम चाहते हैं कि आपके लिए कुछ और बड़ी क्लासें लेकर आए, और मैं चाहूँगा कि मैं फेस टू फेस आके आपको पढ़ाऊँ। उसके लिए आप लोग जुड़े रहिएगा और लिंक पे क्लिक करके जुड़े रहिएगा। फेसबुक पे इलर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब इलर्निंग विद दुर्गेश। अच्छा, मेरी भी आईडी है इंस्टाग्राम पे, दुर्गेश जायसवाल सर के नाम से है, और मेरा भी पेज है व्यक्तिगत, दुर्गेश अशोक जायसवाल के नाम से, उसको भी फेसबुक पे फॉलोअप कर सकते हैं आपकी इच्छा है वैसे। लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट जितना बेहतर होगा, मैं और मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। लगातार पूरे दिन आपके लिए क्लास चलेंगे, लेकिन आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा। 10-10 साथियों तक वीडियो को पहुँचाइए। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबाइए, पैसे नहीं कटेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करिएगा। मेरा एक सवाल आपसे जाते जाते, अगर आप तो कहें पूछ लीजिएगा, अगर मैं आप कहेंगे तो भाई मैं पूछूंगा, नहीं तो नहीं पूछूंगा, कि जब मनुष्य तालाब में तैरता है तो मनुष्य की त्वचा जल जाती है, कारण क्या है? जब मनुष्य तालाबों में तैरता है, नदियों में तैरता है, प्रायः उसकी त्वचा जलने लगती है, जल जाती है, ऐसा क्यों? ये कमेंट करके जवाब दीजिएगा। ये आज के सीरीज का सवाल है, सवाल आगे जरूर मिलेगा। अगर आप लोग इतना कर सकते हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नोट्स जरूर लीजिएगा, आपके हमेशा काम आएगी। शॉर्ट नोट्स हैं जो सिलेक्शन में आपको पूरी मार्केट से सारी किताबों से बेस्ट आपको मिलेंगी। इसलिए पीडीएफ नहीं मिल पाती, क्योंकि पीडीएफ डालने के बाद इसकी वैल्यू खत्म हो जाती है क्लास की,
और वो आपका जुनून खत्म हो जाएगा। इसलिए उसके पीछे पीडीएफ के ना पड़े बल्कि क्लास के पीछे ज़्यादा पड़े। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत अच्छा लगा, आप लोग साथ बनाए रखिएगा। क्लोरीन के कारण सही जवाब, त्वचा में जो जलन होती है वो क्लोरीन के कारण होती है। इसलिए मैंने यहाँ पे पूछ लिया कि जब पानी में क्लोरीन की मात्रा हो जाती है ज़्यादा, तो अगर कोई व्यक्ति उसमें नहाता है, तैरता ज़्यादा है, ज़्यादा देर तक उसमें अपना टाइम देता है, तो त्वचा जो होती है वो कैसी हो जाती है, उन त्वचाओं पर क्या पड़ जाती है, जलन, जल जैसे कहते हैं जल गई त्वचा, ऐसा लगता है। तो आप लोग याद रखिएगा और आप लोग ऐप इंस्टॉल करिएगा इलेनी बी दुर्गेश का, घर बैठे नोट्स के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इलेनी बी दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है, वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आपको मेरी शुभकामनाएं, लेकिन वीडियो को लोगों तक जरूर शेयर करिएगा। मुझे बार बार कहना पड़ेगा, मैं हज़ार बार कहूँगा बेशक आपको बुरा लगे, क्योंकि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं लोगों चाहूँगा अच्छा लोगों तक पहुँचे। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का थैंक यू जितने लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर किया। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।